व्हाट्सअप इंस्टा फेसबुक लाइक कमेंट के बिना ही हम फाइन थे, यादें फिक्र ख्याल सभी हमारे ऑनलाइन थे, ये बात तब की है जब रिश्ते लैंडलाइन थे। फेसबुक इंस्टा व्हाट्सअप लाइक कमेंट और शेयर के बिना ही हम फाइन थे, ख्याल फिक्र यादें सभी हमारे ऑनलाइन थे, ये बात तब की है जब रिश्ते लैंडलाइन थे। जब एहसास फ़ोन के तार सा दिलों में जा जुड़ा था, और जब नंबर सेव नहीं था दिल के करीब एक डायरी में नोट हुआ करता था, और जो बहुत करीब थे उनका तो रटा हुआ करता था। जब गली में पहला फ़ोन हमारा था, सारे पड़ोसियों का भी हमसे ही तो गुजारा था। नंबर धीरे धीरे बट गया, किसकी चाची किसकी बुआ और न जाने कहाँ तक गया। जब पड़ोस वाले चाचा का फ़ोन आने पर हम उन्हें दौड़कर बुलाने जाते थे, हमारे घर पे बैठकर फिर चाय की चुस्कियों में वो सारी बातें बताते थे। जब घर में फ़ोन बजना मानो एक भूकंप था, वो कंबख्त कब हुआ साइलेंट था, और फ़ोन की बटने बड़े अदब से दबाई जाती थी, फ़ोन मिलाने की रस्म बड़े सब्र से निभाई जाती थी। कुछ ऐसे ही हालात में हमने जवानी में कदम रखा था, फ़ोन उसको करते थे उसकी माँ उठाती थी, फ़ोन उसको करते थे उसकी माँ उठाती थी, हम कुछ नहीं कहते थे वो बहुत चिल्लाती थी, और इन सब फसादों में वो कहीं समझ ही जाती थी। फिर फ़ोन के पास बैठकर बड़ी बेचैनियों से उसके फ़ोन का इंतज़ार होता था, और ना आए अगर फ़ोन तो फिर रॉन्ग नंबर का सहारा लेकर फिर से ट्राई किया करते थे। ज़िंदगी आराम से गुज़र रही थी, हाँ कभी कभी किसी अपने की कोई खबर नहीं मिलती तो दिल बैठ जाता था, कभी कहीं भी अक्सर कोई अपना खो सा जाता था। लेकिन फिर मोबाइल आ गए, धीरे धीरे नंबर सारे सेव हो गए, फ़ोन लगाने पर हमारे ही नेटवर्क में खेद हो गए। अब जैसे अपने सभी कवरेज क्षेत्र से बाहर हैं, और जो हैं बहुत करीब वो भी बस वॉलपेपर हैं। सब तार सारी गांठें अब सब खुल गई हैं, वो रिश्तों की ट्रिंग ट्रिंग अब रिंगटोन में कहीं घुल गई है। जब ज़िंदगी में लोग ज़्यादा और फ़ोन कम स्वाइन थे, ये बात तब की है जब रिश्ते लैंडलाइन थे। और एक गज़ल है जो इरफान भाई ने कही थी कि पढ़ने आए, तो इसलिए पता नहीं कि वो मीटर में होगी कि नहीं, तो मतलब कुछ ऐसा है कि कहो किस पर इल्ज़ाम दूँ इन हालात का, कहो किस पर इल्ज़ाम दूँ इन हालात का, कोई तो जवाब दे मेरे सवालात का। सब कुछ तो लिखा है कुंडली में, सब कुछ तो लिखा है कुंडली में, वक्त क्या है मौत से मुलाकात का। और क्यों समझता नहीं है दर्द किसी का, क्यों समझता नहीं है कोई दर्द किसी का, कोई खरीदार है क्या जज्बात का। और घुट घुट के जी रहे हैं ज़िंदगी, घुट घुट के जी रहे हैं ज़िंदगी, माहौल क्या है हवालात का। और आखिरी शेर है कि अब बस तुम मुझे भी फना कर दो, अब बस तुम मुझे भी फना कर दो, ना रहे इल्म तुम्हें भी किसी बात का। थैंक यू। और एक शेर है जो मैं हमेशा पढ़ता हूँ, जो कि कभी मेरे बारे में भी किसी को बताना, मेरा कोई किस्सा अपने दोस्तों को सुनाना, मशहूर होना मेरा मकसद नहीं है, ख्वाहिश है कि तेरे दिल में बस जाना। धन्यवाद।